भगवान की जयराज भरत भगवान की लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज के इस मंच पर विराजमान स्वामी अच्युतानंद जी महाराज आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत राम सेवक दास जी, संत कमलानंद जी रानी घाटी, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज शिवगिरी आश्रम तिघरा, स्वामी राजेश्वर दास महाराज भिंड, नाम आप सबको प्रणाम करते हुए ये हमारा अपना संत समाज जोरदार कर्तव्य ध्वनि से सभी संतों का अभिनंदन करें। हमारे लिए मंच पर ही विराजमान शासन के मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री लखन पटेल, पशुपालन मंत्री आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नारायण सिंह कुशवाहा जी का अभिनंदन है। माननीय मंत्री भारत सरकार, मेरे अभिन्न मित्र भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद ग्वालियर, इस अवसर पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, पोषण शर्मा जी, पूर्व विधायक माननीय मुन्नालाल गोयल जी, माननीय नगर निगम के मनोज तोमर जी सभापति ग्वालियर, आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश, महेंद्र यादव जी पूर्व अध्यक्ष निगम बीज निगम, माननीय जय सिंह कुशवाहा जी साड़ा के पूर्व अध्यक्ष, इस अवसर पर प्रदीप डोंगरे जी, दीपक शर्मा जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, लालू पोगरिया जी, प्रीतम धोरी, प्रीतम भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रीतम जी ने अभी महाराज जी बताया थे कि गौ व्यवस्था के लिए ट्रक भर करके तुरंत व्यवस्था करी। आस्था, विश्वास और इस देश के लिए खास करके परमात्मा की दया से हमारे यहां तो वैसे महाराज जी आप सबके सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। देश को क्या दुनिया के लिए हम सबकी दो माताएं, एक माता जिससे हमारा जन्म होता है और एक वेद वाक्य में गावो विश्वस्य मात्रा अर्थात विश्व की चराचर जगत की कोई माता है तो वो गोमाता है। मैं प्रणाम करता हूँ आज का गोवर्धन पूजा का, ये यश परमात्मा जितना देगा उतना देगा, लेकिन सच्चे अर्थों में क्या हमारी जोरदार तरीके से मथुरा की टीम आकर के आपने कितना आनंद के साथ गोपाल कृष्ण का सजीव नृत्य के माध्यम से ऐसा लग रहा है राधा कृष्ण यहाँ आ गए। वाह, आपका भी आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी टीम के माध्यम से आपने जीवंत किया। भगवान कृष्ण के भी कितने प्रकार के काम है, जहां कहां से भजो उनको, जहां देखो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने समूचे जीवन में कदम कदम पर उनने इतने प्रकार से पूरे समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किए कि वो उनकी लीलाओं के लिए वर्णन करो तो समय कम पड़ जाए, समझ जाओ तो जीवन कम पड़ जाए। भगवान कृष्ण के जीवन का कौन सा पक्ष पकड़ के चले, एक एक पक्ष उनका उतनी प्रकार का है। अपन देखें तो अपने जीवन काल से भगवान के प्राकट्य के समय से उनके कष्ट भी कम नहीं आए, लेकिन जीवन में वो हमको ये संबंध दिखाते हैं, ये मजबूती सिखाते हैं कि कष्ट चाहे कितने भी बड़े हो हर कष्ट से निवारण होने की क्षमता मनुष्य में होती है। ये गोपाल कृष्ण ने साबित किया, ये उनके जीवन से हम देख सकते सीख सकते। भगवान ने गांव की संस्कृति को अपने सिर पे लगा करके संसार के सामने आदर्श उत्पन्न किया। मयूर तो प्रतीक है गांव संस्कृति का, लेकिन सोने चांदी के मुकुट भी शर्मा जाए लेकिन भगवान उसके ऊपर भी मोर मुकुट लगा के जो आनंद देते हैं उसकी किसी से कोई तुलना नहीं होता है। हमारे लिए ये जो परमात्मा ने दिया प्राकृतिक सौंदर्य, इस सौंदर्य को वर्णन करो तो लगता है कि समय कम पड़ जाए,
लिखने वाले साहित्यकार कम पड़ जाए, सुनने वाले श्रोता के पास समय कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी महिमा गाते रहो तो अपने कान में अमृत बरसता है। जैसे इनकी जितनी महिमा सुनो उतना आनंद आता है, उतने चकार से देखो। भगवान ने अपने एक एक काम से इस संसार को खास करके गोमाता के मामले में मुरलीधर मनुष्य को मनुष्य जिनकी मुरली की तान से गोमाताएं दूध की अमृत धारा देती है, आनंद वर्षा देती है। गोमाता और गोपाल ये सब तो किसी ने अगर दिया तो गोमाता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर वो गोविंद बोलने का आनंद महसूस करते। गोमाता के माध्यम से ये गोमाता की तो महिमा कितनी रहा है। मैं कुंभ की नगरी से आता हूं, उज्जैन से। हमारे यहाँ माना गया कि देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो मिला दूसरे नंबर का हमारे पास जो धन मिला वो गोधनता गोमाता थी, कामधेनु थी हमारे लिए। ये उस समय की बात, लेकिन उसका बाकी कहा गया रत्न उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन गोमाता के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका इंग्लैंड चाहे पाश्चात्य कोई भी देश एक ध्रुव सत्य है महा हो या यहाँ हो, सब दुर्ग बालकों के लिए पोषक तत्व में सबसे शुद्ध गोमाता का दूध अगर मिलता है तो पूरे विश्व में कामन मिलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दुराव नहीं। गोमाता का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई हस्कर कोई जर्सी, लेकिन इसका उदाहरण भी अभी सामने है कि ब्राजील के अंदर जो दूध उत्पादन में अपना नंबर वन का स्थान रखता है, ब्राजील की अगर गोमाता के वंश की बात करें तो अपने ही स्टेट काल में यहाँ के गुजरात के राजवंश से ब्राजील में गिर गाय गए और गिर गाय ने वहां का वातावरण बदल दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, लेकिन हमारा धर्म पहचान नहीं पा रहा। आज मैं गोरस में गया, गोरस में कहते हैं कि नंद बाबा अपने 1,00,000 गाय के वंश सहित उस समय तक यहाँ आकर के वर्षा काल में यहाँ रहते और बाद में वो उतर ले जाते, इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र। लेकिन आज समय लंबा हो रहा है, हमने सरकार बनने के साथ तय किया कि हम भगवान कृष्ण के लिए एक बार में जो कहे जो कहने दो। लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग पे नहीं चले तो क्या धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं? अब तुमको तो समझ है नहीं, तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या गुजारा है। तुम अपने मन में जो सोचना सोचो, हमने पार्टी का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा। महाराज जी के लिए मेरे को आश्रम को तो बख्श लो, गौशाला को बख्श लो। महाराज कह रहे क्या ये आप बताओ, संसार में गौ माता के लिए हमारे लिए वर्तमान के समय में सरकार बनती किसके लिए? हमारे यहाँ तो आप संकल्प भी कराते हो तो आप कहते हो गौ ब्राह्मण निहिताय जगत जताय कृष्णाय गोविंदाय, तो आप काहे के लिए बोलते हैं? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने, इसमें क्या परेशानी भाई? गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती है, अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध लाना चालू कर दो, अपने आप में उसके कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात? और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवस्था हो सकती है। गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता के तरफ जाएगा। जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है कि किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे,
ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना जो उत्पाद निकले, ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल के प्रवाह में समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है, हमारी बूढ़ी अपाई लावारिस इस प्रकार की गौ माता होती है या गोवंश होता है जिसको संभालने की दिक्कत, तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है, हर गौशाला में नगर निगम के आधार पर 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है। चाहे अपनी ग्वालियर हो, यहाँ तो 9 हजार से ऊपर गौ माता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम उज्जैन इंदौर जबलपुर ग्वालियर इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका है, नगर निकाय और एक विधानसभा में एक तो गौशाला है जिनके माध्यम से सभी गौ माता की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा, ये हमने निर्णय किया है। और इस सबसे प्रधानमंत्री के ताली बजाए जोरदार तरीके से, जिन्होंने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर गोमूत्र पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, कितने प्रकार के आइटम बन रहे हैं और बीमारियों में भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथी दवाई सब फेल हो जाती है, लेकिन आपका गाय का घी गोमूत्र से निकला हुआ अर्थ पंचगव्य एक एक ही जीवन में अमृत के समान, ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत है। सीएनजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर अपने नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात भी गई, महाराज याद है मेरे चिंता मत करो मैं खड़ा हूँ जो सोच समझ के खड़ा हूँ, जितना मेरे को बोलना मैं जरूर बोलूंगा, नहीं बोलना तो आप कुछ भी कर लो मैं बोलने वाला नहीं। ये सरकार होती ऐसी है, कार के ऊपर सब तो सरकार, कार के नीचे सब तो एक्सप्लेन हो जाता। मैं आज अपने स्वामी जी ने पिछली बार जब आया था जनवरी में, मैं माननीय यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी जोरदार ताली बजा मृदुला सिंधिया जी के। पिछली बार जब आया था तो मेरे अपने दोनों नेताओं के साथ में आया था और हमने सीएनजी प्लांट का उस समय साथ शुभारंभ कराया, एक बड़ा काम हुआ, इसलिए उस बड़े काम के साथ आधुनिक तरीके से गौशालाओं का संरक्षण हो, वह अपने पैरों पर खड़ी हो और ये सबके सामने अच्छा मॉडल बने, इसी बात की समय की आज मांग है। उस नाते से हमने उस समय काम किया था और जो कहा था उसको पहले दिखाने की परंपरा, इसलिए आज गोधन पूजा के अवसर पर थोड़ा समय था लेट आया लेकिन आया जरूर, हमने कहा हमने आना आया जरूर था। केवल सही काम महाराज जी 2 महीने से कम समय में आज इस गौशाला में आने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कृष्णायन संस्था के माध्यम से अच्युतानंद जी महाराज भी इतने फॉलो करते कि आईएएस अधिकारी फेल हो जाए, इतना पक्के काम के काम कराने के महाराज से तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एक कोई व्यवस्था का टारगेट दो तो उसको अंजाम तक पहुंचाते। उज्जैन की कपिला गौशाला जहाँ 200-300 गाय बड़ी मुश्किल से बहुत कष्ट के जीवन में जीती, बड़ी शर्म आती थी, लेकिन महाराज जी ने संकल्प किया, आज की स्थिति में लगभग 1800 गाय शानदार तरीके से उज्जैन में अपना उनका अपना व्यवस्था हुई है और उज्जैन का 2000 की क्षमता तो बन गई है। लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने इंदौर कलेक्टर जबलपुर कलेक्टर भोपाल कलेक्टर सबसे बात की है कि सारी की सारी लाल टिकारा क्या है ये लाल टिपारा, मेरे को तुम्हें टिपारा नहीं बताया कहाँ है, खाली बोल के लाल टिपारा बताते, आपने कहीं देखा क्या लाल टिपारा, तो नाम ही नाम है ये ग्वालियर भी गजब क्या धुआं का पता ही नहीं चलता है, बोलने का मंदिर मेरे मंदिर में भी लाल, मेरे पूछे कहाँ बोले का मंदिर, बोले रोड का नाम बता रहे, रोड का नाम तो समझ में आता लेकिन मंदिर में तो होगा, आप तो मुझे तो बता देना, तो पूछ की गलती करी क्या मैंने, क्या होता दुनिया, लेकिन आपका भाव अच्छा है, मुझे इस बात का ध्यान में आता है, हमारे लिए लाल टिपारा, लाल टिपारा मैं उसको यहाँ से ले जाता हूँ सौर मंडल की तरफ, भगवान सूर्यनारायण की तरफ, जो ऊर्जा से सराबोर जाते हैं
हमारी संस्कृति में सूर्य आधारित संस्कृति है, चंद्र आधारित संस्कृति है, ग्रह नक्षत्रों को मानने वाली संस्कृति, जो ऊर्जा हमको सूर्य देवता से मिलती है, वो ऊर्जा का लघुरूप तो हमको सीएनजी गैस से मिलता, ये उसी प्रकार की तो चीजें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया वेद वाक्य में, यह पिंडे तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, केवल उसकी निगाह बढ़ाने की जरूरत, केवल देखने की जरूरत। ऐसे में जब दीपावली का दूसरा दिन है, आज के दिन ग्वालियर के लिए एक अद्वितीय दिन बना, ग्वालियर के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए। मेरे मित्र अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमको क्या मालूम, हम भी अगली बार गोवर्धन पूजा मनाएंगे, मैं तो जरूर मनाओ, इससे अच्छा आनंद की क्या बात, सभी सरकारें मना, हमारे लिए तो ये अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका है। हमारे अपने कृषि प्रधान राज्यों में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आज के इस अवसर पर, और भगवान की दया से क्या मौका आया आपकी गौ माता के गोवर्धन पूजा में। संस्कृति में समाज को हजारों साल से मनाता, लेकिन हमारे मंत्री जा रहे हैं गौशाला में पूजन करने, हमारे पुलिस बैठ आकर के मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी इस पूरी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं, तो ये अपने किसानों की छाती चोरी हो जाती है कि हम वर्षों से गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जब तो सरकार भी बोल रही है, तो सरकार भी बोले, समाज भी बोले, और पिछड़े छिपे संदेश को भी पकड़े। संदेश एक ही है कि हमारे यहाँ पर ये जो हमारा घर घर गाय का कुल बने और ये गोकुल बना, एक तरह से जहाँ गाय का कुल वो गोकुल, गोकुल और वृंदावन के माध्यम से परमात्मा चाहेगा तो भगवान राम इस बार मुस्कुरा रहा है अयोध्या में, जमुना जी वाला भी बुलाएगा, चिंता मत करो, बोले कृष्ण की। हमारी संस्कृति तो राम और कृष्ण को जानने वाली संस्कृति, आज नहीं तो कल अपने देश के अंदर अगर दोनों धाम नहीं जगमगाएंगे तो कौन जगमगाएगा। हम सब संकल्प करें, आने वाला समय हमारा है, ये सोलर एनर्जी का आपने मुझे कार्यक्रम किया, प्रोजेक्ट दिया, महाराज जी आपको कल भोपाल बुलाऊंगा, इससे जुड़े मामले में और भी बाकी बात करते हुए इसको भी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।